हेलिक्स एंगल जो सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। अगर ड्रिल के लिए बात करें, ये ड्रिल का एक्सिस है, एक्सिस से ये जो फ्लूट जिस कोण पर ग्राइंड होते हैं, अगर फ्लूट के सतह को टच करके ये लाइन ड्रॉ करें तो इसके बीच का ये जो एंगल होता है इसको बोलते हैं हेलिक्स एंगल, या ड्रिल में इसी को क्या बोला जाता है, रेक एंगल भी बोला जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछ लिया जाता है कि ड्रिल में हेलिक्स एंगल का मतलब क्या है। ऑप्शन में दे देता है क्लियरेंस एंगल, रेक कोण, तो हम लोग क्या करेंगे, रेक एंगल। ठीक, जनरली ये अलग अलग ड्रिल में अलग अलग रखा जाता है, और अलग 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 मटेरियल के आधार पर, जैसे हार्ड मेटल के लिए ये कम होता है और सॉफ्ट मेटल के लिए क्या होता है, ज़्यादा होता है हेलिक्स एंगल, इसके लिए हम लोग चर्चा करते हैं। लेकिन आम साधारण धातुओं के लिए जो सामान्यतः एवरेज रूप से नॉर्मल रूप से प्रयोग किया जाता है, ये जो एंगल होता है 27.5 डिग्री एंगल होता है हेलिक्स एंगल, ये क्वेश्चन पूछा गया है इसरो में कई एक बार, तो ये ध्यान रखना है। हेलिक्स एंगल ट्विस्ट ड्रिल में कितना होता है, 27.5 डिग्री। मटेरियल का नाम लेकर के पूछेगा तो हम लोग उसके लिए अलग अलग देखते हैं। ठीक, यहाँ पर अगर एक एक पॉइंट के बारे में देखें तो इसे फ्लूट एंगल या रेक एंगल भी कहा जाता है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दूसरे नाम से कि ड्रिल में हेलिक्स एंगल किसको बताता है, तो रेक एंगल को, नहीं तो फ्लूट एंगल को। ड्रिल की धुरी के साथ फ्लूट जिस कोण पर ग्राइंड होता है उसे क्या बोलते हैं, हेलिक्स एंगल। ये घुमावदार होता है इसीलिए क्या बोलते हैं, हेलिक्स बोलते हैं, और इस एंगल को बोला जाता है हेलिक्स एंगल। इसे तीन तरीके से बनाते हैं, जैसे हार्ड मेटल, नॉर्मल मेटल और सॉफ्ट मेटल में ड्रिलिंग करने के लिए इसको अलग अलग एंगल के रूप में बना दिया जाता है, और उसको अलग अलग टर्म से जाना जाता है, जैसे एच, एन और एस। एच मतलब हार्ड मेटल में ड्रिलिंग करने के लिए, एन मतलब नॉर्मल, और एस मतलब क्या, सॉफ्ट में। तीन टाइप से बनाया जाता है। यहाँ पर एच टाइप हेलिक्स कोड हार्ड मेटल के लिए, एन टाइप नॉर्मल धातुओं के लिए, और एस टाइप क्या होता है, सॉफ्ट मेटल में ड्रिलिंग करने के लिए होता है। ठीक, एक एक करके यहाँ पर भी इनके लिए समझते हैं। इसके बाद आमतौर पर जो हेलिक्स एंगल या रेक एंगल होता है कितना होता है, 27.5 डिग्री, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यह ड्रिल के व्यास के अनुसार भी अलग अलग होता है। यहाँ पर इतना पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए, फिर और समझते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो ये हेलिक्स एंगल मटेरियल के प्रवृत्ति के आधार पर, सॉफ्ट है, हार्ड है या नॉर्मल धातु है, उसके आधार पर अलग अलग दिया जाता है। इसके लिए समझते हैं कैसे। तो जनरली ड्रिल में अगर देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये हार्ड मेटल के लिए एच, नॉर्मल के लिए एन और सॉफ्ट मेटल के लिए एस। जो हार्ड मेटल में ये जो हेलिक्स एंगल होता है, यानी एक्सिस से और फ्लूट के बीच का जो एंगल होता है, ये कम रखा जाता है। कितना रखते हैं, तो 8 से 13 डिग्री तक रखा जाता है एच टाइप ड्रिल के लिए। यहाँ पर देखेंगे, थोड़ा सा इस फिगर को समझ लेते हैं। यहाँ पर इस ड्रिल में देखेंगे, यहाँ से तो हार्ड मेटल के लिए ये अगर एक्सिस है तो इसके बीच का ये जो कोण है, ये कोण है यहाँ पर। इसमें देखेंगे ये अलग ड्रिल है एन टाइप यानी नॉर्मल धातुओं के लिए, इसके बीच का ये कोण देखेंगे तो ये कोण है। इसके बीच का ये एंगल देखेंगे फ्लूट के साथ, तो ये एंगल है। अब यहाँ पर एक चीज समझते हैं, जनरली जब हार्ड मेटल की ड्रिलिंग करना होता है तो उसके लिए ये एंगल कम रखते हैं। सॉफ्ट मेटल के लिए, नॉर्मल मेटल के लिए धीरे धीरे एंगल क्या होता है, बढ़ते जाता है। और सॉफ्ट मेटल के लिए ये एंगल जो होता है, जैसे सॉफ्ट मेटल मतलब एल्यूमिनियम, कॉपर, इनके लिए ये बहुत ज़्यादा रखा जाता है। क्यों, ऐसा क्यों करते हैं, समझिए। इसके लिए जो ये जो ड्रिल में फ्लूट होता है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, मेन पर्पस, तो चिप को बाहर निकलने के लिए और पॉइंट तक कूलेंट को पहुँचाने के लिए। चिप बाहर निकलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो चिप बाहर निकलने के लिए ये रास्ता बना देते हैं। तो मटेरियल की प्रवृत्ति के आधार पर ध्यान में रख करके ये एंगल दिया जाता है कैसे। तो इसके लिए अगर देखेंगे तो सॉफ्ट मेटल का जो चिप होता है कैसा बनता है, बड़ा बनता है और लंबा लंबा बनता है, घुंघराला, घुमावदार। तो उस पर अगर ज़्यादा एंगल भी रखेंगे तो चिप आसानी से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। यानी चिप निकलने का जो प्रक्रिया है कैसे होता है, तो ड्रिल के दोनों मोशन के कम्बिनेशन के कारण। ये पहले भी समझे कैसे, यानी रोटेशन और फिर हम लोग फिट देते हैं तो नीचे जाता है, तो रोटेशन और ट्रांसलेशन की वजह से ये क्या होता है, नीचे से चिप बाहर, एक लिफ्टिंग फोर्स जनरेट होता है पॉइंट के तरफ से, जिसके कारण फ्लूट के सहारे चिप क्या होता है, बाहर आ जाता है। तो यहाँ पर अगर इन चीज़ों को समझना है तो इसके लिए समझते हैं। जैसे ये तीन तरीके के पहाड़ है, ये पहाड़ है, ये ज़्यादा इस तरह से स्टिप है, खड़ा है, ये थोड़ा कम खड़ा है, ये कम खड़ा है। अगर इस पर हम लोगों को चढ़ना है या कोई आदमी इस पर चढ़ रहा है तो सबसे ज़्यादा मेहनत किस पर लगेगा चढ़ने में, तो सबसे ज़्यादा मेहनत लगेगा, ये ज़्यादा खड़ा है इस पर लगेगा ना, यानी इस पर ज़्यादा मेहनत लगेगा चढ़ने में, इस पर कम। ये फ्लैट टाइप का आसानी से क्या हो सकता है, चढ़ सकता है। सेम यही काम होता है मेटल के चिप जो बनते हैं उसके साथ।
अगर हार्ड मेटल में देखेंगे जैसे कास्ट आयरन, हाई कार्बन स्टील, तो उनका चिप क्या होता है, छोटा छोटा बनता है। और सॉफ्ट मेटल जैसे एल्युमिनियम, कॉपर, इनका क्या होता है, थोड़ा बड़ा बड़ा बनता है इस तरह से धागे के जैसा। ये फ्लूट पकड़ के आसानी से आ जाते हैं, यानी इस तरह से हाई हेलिक्स एंगल भी रखेंगे सॉफ्ट मेटल के लिए, तो ये आसानी से क्या होता है, ये फ्लूट के सहारे निकल जाता है, क्योंकि बड़ा बड़ा चिप बनता है। लेकिन जो हार्ड मेटल होता है उसमें अगर इस तरह का ज़्यादा एंगल दे देंगे तो ये बाहर निकल ही नहीं पाएगा, अंदर ही रह जाएगा, फंस जाएगा, तो फिर ड्रिलिंग करने में क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। इसीलिए हार्ड मेटल के लिए क्या करते हैं, ये एंगल कम रखते हैं ताकि चिप क्या हो, छोटा छोटा बनने के बावजूद भी आसानी से क्या हो जाए, बाहर निकल जाए। और ये नॉर्मल जो होता है, इनके बीच का ये एवरेज होता है। जैसे यहाँ पर इस फिगर में देख सकते हैं, ये रेगुलर हेलिक्स ड्रिल है जो नॉर्मल एन टाइप मटेरियल के लिए है। यहाँ पर इनका जो हेलिक्स एंगल होता है, जैसे छोटे छोटे चिप बनते हैं तो ये आसानी से बाहर निकल जाते हैं। और ये हाई हेलिक्स एंगल ड्रिल है जिसमें ये ग्रूव जो होता है, ग्रूव का एंगल ज़्यादा होता है, ये सॉफ्ट मटेरियल के लिए होता है, बड़े बड़े चिप आसानी से बाहर निकल जाते हैं। अगर यहाँ पर देखेंगे ये हाई हेलिक्स एंगल है इस ड्रिल में देखेंगे, तो इसका मतलब ये है कि इसका जो ये हेलिक्स एंगल यानी फ्लूट वाला ये ग्रूव है, ये ज़्यादा गहरा होता है, अंदर की तरफ होता है, तो एंगल भी क्या बनेगा, ज़्यादा बनेगा। तो सॉफ्ट मेटल के लिए हम लोग कितना एंगल रखते हैं, तो सबसे ज़्यादा कितना 35 से 40 डिग्री तक ये एंगल रखा जाता है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे ये नॉर्मल रेगुलर, अगर मैं समझ में नहीं आ रहा है कि हार्ड है कि सॉफ्ट है, तो ये एक एवरेज रेगुलर तौर पर ये प्रयोग किए जाते हैं, सामान्य तौर पर ये हार्ड सॉफ्ट दोनों के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए जो होता है ये फ्लूट का ये जो गहराई होता है यानी फ्लूट एंगल होता है, ये कम होता है, कम होता है, कितना होता है, ये 16 डिग्री से 30 डिग्री तक, नहीं तो और भी बोल सकते हैं 18 से 30 बोल सकते हैं, ये रेंज है, ये याद रखेंगे तो इसी में ये समाहित है। तो एग्जैक्ट में 16 से 30 है तो आसानी से करेंगे, 16 से 30 रेंज नहीं मिल रहा है, 18 से 30 मिल रहा है, तो ये भी आसानी से करेंगे। अगर दोनों आ जाए ऑप्शन में तो बेस्ट कौन सा है, 18 से 30 स्टैंडर्ड डाटा, ठीक। इसी तरह से अगर इसके लिए देखें स्लो हेलिक्स एंगल यानी हार्ड मेटल में लिए, हार्ड मेटल की ड्रिलिंग करने के लिए, तो यहाँ पर देखेंगे तो ये ग्रूव जो है हेलिक्स है ये क्या है, कम गहरा है, जिसके कारण चिप आसानी से क्या होता है, बाहर निकल आता है। ये हार्ड मेटल के लिए कितना होता है, 10 से 13 डिग्री, ये कम है। ये सारा एंगल ध्यान रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है इस टाइप के ड्रिल के लिए, उसका हेलिक्स एंगल कितना होता है हार्ड मेटल में के लिए, फिर नॉर्मल के लिए और फिर सॉफ्ट मेटल के लिए, ये एंगल ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो अभी उम्मीद करते हैं ये सारा चीज़ समझ में आया होगा, ठीक। इसमें एक एक पॉइंट अभी आगे की तरफ, इसके बाद यहाँ से एक क्वेश्चन को डील कर लेते हैं इसी कॉन्सेप्ट से, हेलिक्स एंगल के कॉन्सेप्ट से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसरो में पूछा गया क्वेश्चन है और अलग अलग एग्जाम में भी बार बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है कि आप एक ड्रिल को सॉफ्ट मेटल में ड्रिलिंग करने के लिए कैसे पहचान सकते हैं, तो उसको पहचानने के लिए ऑप्शन उसमें दिया था कि उसका हेलिक्स एंगल यानी रेक एंगल होगा या फ्लूट एंगल होगा हाई होना चाहिए, यानी ज़्यादा होना चाहिए, यानी हाई हेलिक्स एंगल होना चाहिए, लो होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। तो सॉफ्ट मेटल में ड्रिलिंग करने के लिए उसका हेलिक्स कोण कैसा होना चाहिए, यानी रेक एंगल कैसा होना चाहिए, हाई, ये सॉफ्ट मेटल की ड्रिलिंग के लिए, ठीक। उसके बाद अगर नॉर्मल के लिए बात करेंगे तो ये क्या होता है, कम होता है, इस तरह से एंगल का हम लोग रेंज बता सकते हैं।